हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के गण में छिपा के रखा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ठीक है, वो महान जीवित परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। मेरे प्रियजन, ठीक है, उस परमेश्वर से बताइए, यदि आप परेशान हैं, लाचार हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, गरीबी में लाचार हैं, तो आज आप यीशु नासरी से बोलेंगे। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है, परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियजनों, हमें विश्वास करना है, परमेश्वर से बोलना है। विश्वास करने की ज़रूरतें हैं, विश्वास करने की आवश्यकताएँ हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, उसकी करुणा हमेशा के लिए है, परम्पार है, सदा की है, अनंत जीवन के लिए। ठीक है मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। ठीक है, यीशु मसीह पर यदि हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करने के जरिए हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वह सीढ़ी है जिस पर हम विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं। ठीक है, उस परमेश्वर से विनती करो। उद्धारकर्ता परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। ठीक है, और इस प्रार्थना को आगमन करके सुनना है। जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में, बीमारी में है, उदासी में है, बेचैनी में है, तो आज आप यीशु मसीह से बोलिए, परमेश्वर से बोलिए। यीशु मसीह आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, आपकी गरीबी को, आपकी परेशानी को, आपकी समस्याओं को ख़त्म करेगा, जड़ से ख़त्म करेगा। हमें विश्वास करना है, संदेह नहीं करना, क्योंकि संदेह करना मनुष्य समुद्र के लहर के बराबर होता है। मेरे प्रियजनों, जितनी तेजी से वह आती है, जितनी तेजी से वह चली जाती हैं, उसी प्रकार से संदेह करना मनुष्य निश्चय संदेह ही करता रहता है। वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा या नहीं। हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, मुर्दे भी जीवित हो सकते हैं। मेरे प्रियजनों, ठीक है, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है और लास्ट तक सुनना है, और लास्ट में आमीन बोलकर आपको रिसीव करना है। यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानते हैं, इच्छाओं की बातों को जानते हैं। हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, इस रात की प्रार्थना को आपको पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना है, और लास्ट में आमीन बोलकर आपको रिसीव करना है। ठीक है, ईश्वर है, जैसा आप बोलोगे वैसा परमेश्वर कर देगा, वैसा हो जाएगा। यीशु नासरी ने कहा, आप बुलाओ, मांगो परमेश्वर से, मांगते रहना है, पुकारते रहना, उन अंधे भिखारियों की तरह आपको चिल्लाते रहना है, यीशु मसीह से बोलते रहना है परमेश्वर से कि यीशु पिता मुझे बच्चे के आशीष दीजिए, यीशु पिता मुझे गवर्नमेंट की जॉब दीजिए, पिता ये समस्या हो, गिल्टी परेशानी है। यदि आप ऐसा बोल रहे हो परमेश्वर से, तो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपकी समस्याओं को, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरी इच्छाओं की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएँ हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। परमेश्वर अभिषेक से आपके बंधन को तोड़ेगा, जो आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर किया गया है, यदि आपके घर में ब्लैक मैजिक किया गया है, तो आज आप यीशु नासरी से बोलोगे, आप इस प्रार्थना को सुन लेना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उस अभिषेक से, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, थरथराती हैं। यदि आप यीशु मसीह से बोल रहे हो, तो आज हमारा परमेश्वर आपको आजाद कर देगा, बंधनों से आजाद कर देगा, बंद मार्ग खुल जाएंगे आपके जीवन से, बंद मार्ग खुल जाएंगे, यीशु मसीह बंद मार्गों को खोल देगा आज, बंद मार्गों को खोल देगा आज परमेश्वर, बंद मार्गों को खोल देगा आज परमेश्वर। यदि आप बोल रहे हो, यीशु नासरी को बोल रहे हो, यदि आप उस लहू बहने स्त्री की तरह आपका विश्वास होगा, तो आप आज निश्चय चंगे हो जाओगे, आजाद हो जाओगे आप। मेरे प्रियजनों, हमें तैयार रहना है, हर घड़ी तैयार रहना है, अपनी तैयारी बना के रखना है मेरे प्रियजनों।
ठीक है, चंगाई भी और प्रार्थना भी, वचन भी आपके अंदर होना जरूरी है। आज्ञाएं होना आपके अंदर बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आज्ञाएं और विश्वास और प्रेम और पवित्र जीवन ही हमें स्वर्ग ले जा सकता है मेरे प्रियजनों। ठीक है, इस प्राणों को विश्वास के साथ सुनना है, संदेह नहीं करना है। जैसा बोलेंगे परमेश्वर करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में छाया दिया करूँगा, मैं तुझे अपने पंखों के तले ले लूँगा, मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, तू मेरी पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, मैं तेरा पिता हूँ और मैं तुझे दूंगा, तेरे मांगने से पहले तुझे दूंगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको बोलना है, अंगीकार करना है और प्रार्थना करना है यीशु मसीह से। यीशु मसीह से बोलो, किसी इंसान का सहारा ना लो, यीशु मसीह का सहारा लो, अपने बुद्धि का सहारा मत लो, उस परमेश्वर का सहारा लो जो परमेश्वर में जीवन देता है, जो वचन हमें जीवन देता है, जो वचन हमें जीवन देता है। आज यीशु मसीह से बोलो। इस प्राणों को आँख बंद करके सुनिएगा, चलिए प्राण को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे प्रभु जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगान उड़ता रहता है। मेरे परमेश्वर, मैं विनती करता, उद्धार करता यीशु राजा, जो आपने हमें एक नया जीवन दिया, अब तक बीते दिनों से लगातार बचा के रखा, छिपा के रखा मेरे परमेश्वर, इसके लिए यीशु पापा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता, आपने कहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे अपनी आँख की पुतली की तरह चाहता हूँ, मैंने तेरा चित्र, तेरा नाम अपनी हथेली पे खोद के बना लिया है। प्रभु आपने कहा है मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, पीछे नहीं आगे करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आगे करूंगा, पीछे से उठा के आगे कर दूंगा, यदि तुम मुझसे पुकार रहा है। मेरे परमेश्वर, में प्रण करता हूँ, इनकी गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल रही, जो जॉब के लिए तलाश रहे हैं, जो जॉब के लिए परेशान है, जो नौकरी के लिए परेशान है, जो कर्ज में है, जो बोझ में है, जो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, सुनाश्री आप इनका बोझ उतारिए, आप इनका कर्जा उतारिए मेरे परमेश्वर, आप इन्हें नौकरी के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए मेरे परमेश्वर। इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को आज दूर करिए यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, वो पाएगा। परमेश्वर पिता यीशु मसीह आप दीजिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, नहीं बोल पाते हैं, मैं आज चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। यदि इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बंद रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं मेरे परमेश्वर, बंद कोखे खुल जाएं, बंद कोखे खुल जाएं, बच्चे की आशीष दीजिए। जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा जो काम कर इनके घर में, जो पति पत्नी के बीच में लड़ा झगड़ा को लेकर आते हैं, स्वप्न के जरिए काम कराते हैं, घरों में लड़ा झगड़े होते हैं, विधर में फूट है मेरे परमेश्वर, मैं एक जीवित लहू का बड़ा बांधता हूँ, आजाद हो जाए वे घर, जिन कानों में ये आवाज़ पहुँच रही है, जिन कानों में ये आवाज़ प्रार्थना पहुँच रही है, जिन घरों में ये प्रार्थना चल रही है, दुष्ट आत्माएँ भाग जाए इनके घरों से, इनके जीवन से, ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये रिहा हो जाए, ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, गिल्टिया जाए, पथरिया जाए, रसोलिया जाए, ट्यूमर जाए, ये आजाद हो जाए। चंगाई की घोषणा करता हूँ, आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु नासर के नाम में, ब्लेस यू आर विल बी इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासर के नाम में चंगे हो जाओ मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जिन भाई बहनों को पढ़ाई में मन नहीं लगता मेरे परमेश्वर, उनके माइंडों को, उनकी बुद्धियों को आज चेंज कर दीजिए मेरे परमेश्वर, उनका पढ़ाई में मन लगे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो दुख में है, चिंताओं में है,
बोझ में है, कोई तो रो रहा चिल्ला रहा, परमेश्वर उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए सुनासरी के नाम में, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए परमेश्वर, और बड़ी गवाही के साथ ये ब्लेस हो जाए, और ये प्रार्थना के जरिए इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम में बड़े बड़े छुटकारे और बड़े काम होने पाए मेरे परमेश्वर। मुझे आशा है, विश्वास है, मेरे राजाओं के राजा आपने प्राणों को सुना है मेरे परमेश्वर, ये छोटे से बिंदु उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं, सुनिएगा और कबूल करिएगा, आमीन।